नमस्कार दोस्तों, अब लाल डायरी मामले में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की भी एंट्री हो गई है। हनुमान बेनीवाल ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा, सचिन पायलट और बीजेपी पर निशाना साधा है। एक मीडिया के सवाल में बेनीवाल ने कहा कि मैं राजेंद्र गुड्डा जैसे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेता हूँ, बार बार अपने बयान पलटते हैं। पहले बसपा से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, फिर से वह बसपा में चले गए और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। जब पायलट को उनकी ज़रूरत थी तब वह पायलट के साथ नहीं थे, अब पायलट और बीजेपी के नेताओं के कहने से लाल डायरी जैसे मुद्दे उठाकर वो टूल बन रहे हैं। बेनीवाल जयपुर में शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। बेनीवाल ने कहा कि लाल डायरी को मुद्दा बनाकर राजस्थान की जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी अपनी सभा में लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उसकी हकीकत और वास्तविकता का पता किसी को नहीं है। कल को इसी तरह कोई नीली या फिर पीली डायरी भी सामने आ जाएगी। इन डायरियों से कुछ नहीं होने वाला, उस डायरी में क्या है यह जानना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की किसी डायरी की जांच होगी तो उसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेताओं का भी नाम शामिल होगा। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में हालात बदतर हैं, बजरी माफिया कब्जा किए हुए हैं, उन पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब लाल और पीली नीली डायरी के पीछे पड़े हुए हैं।